to take them from the basement on the final day of the season. That's the latest. I'm Katie Spencer. Talawat, nasheeds, arifana kalam, speeches, news, interviews, competitions, social and health issues, drama and much, much more. Only on Awaz 103.1 FM. आदाब, मैं मारिया खान आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होती हूँ द मारिया खान शो हर हफ्ते की शाम 4 से 6 बजे तक। ये प्रोग्राम मिले जुले रंगों पर मबनी है जिसमें शामिल हैं ब्यूटी टिप्स, तरह तरह के टोटके नुस्खे, खुराक की अहमियत और फादियत, रूह की पुकार यानी शायरी और आपकी मजेदार सी बातें। साथ देना मत भूलिएगा, सिर्फ आवाज 103.1 FM पर। और जी हाँ सामिन, आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आप सुन रहे हैं द मारिया खान शो और मैं हूं आपकी होस्ट मारिया खान। और जनाब, आपको बताते चलें कि आप सुन रहे हैं अपने आवाज रेडियो की आवाज ऑन 103.1 FM की फ्रीक्वेंसी पर। यह आवाज जाती है नेल्सन, बर्नले, ब्रायरफील्ड, एक्रिंगटन और लंका शहर के दीगर इर्द गिर्द के कई इलाकों में। जबकि दुनिया भर में कहीं भी हूं आप हमारा साथ निभा सकते हैं, बजरिया इंटरनेट लॉग ऑन हो सकते हैं ऑन www.pendulradio.org पर। और जी हाँ सामिन, जैसा कि आपको पता है हमारा आपका साथ होता है सिर्फ कुछ 2 घंटों का, और 1 घंटा इतनी जल्दी से गुजर गया पता भी नहीं चला। जी हाँ, प्रोग्राम के फॉर्मेट उन लोगों के लिए दोबारा दोहराती जा रही हूँ आज के फॉर्मेट को जिन्होंने अभी अभी अपने रेडियो सेट को ऑन किया है। आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में मजहर उद्दीन ताज, जिनसे हम बात कर रहे हैं माइंड साइंसेज के हवाले से, मालूम ले रहे हैं, इस्लामी नुकता निगाह से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हमने ये जाना कि माइंड साइंसेज क्या है, उसके अलावा नुकता नजर क्या है इस्लाम का माइंड साइंसेज के हवाले से। हम उनसे अब ये डिस्कस कर रहे थे न्यूज से पहले मासूद के साथ। मजहरुद्दीन ताज के बारे में जब हम आपको बताएं, उनके उनकी जो डिग्रियां हैं और जिन चीजों में वो मास्टर हैं वो बेशुमार हैं, आप तक उनका तारुफ पहुंचाते हैं। एमबीए हैं अकाउंट एंड फाइनेंस, एनसीएफई लेवल 5 इन कम्प्लीमेंट्री थेरेपीज, मास्टर इन युसुई रेकी, मास्टर इन कुंडलिनी रेकी, ग्रेजुएट इन माइंड एंड साइंसेज, एडवांस लेवल इन माइंड साइंसेज, मास्टर इन हिप्नोथेरेपी, एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिशनर है, मास्टर इन न्यूमरोलॉजी, मास्टर इन ऑस्ट्रोलॉजी, मास्टर इन रिफ्लेक्सोलॉजी, मास्टर इन मसाज थेरेपी। इसके अलावा वो फाउंडर भी हैं और उन्होंने माइंड साइंसेज के हवाले से कई कोर्सेज जो हैं क्रिएट किए हैं, जैसा कि यूनिवर्सल हीलिंग, वेरियस सिंबल बेस्ड थेरेपी, काइनेटिक माइंड, वंडर मैसेज थेरेपी वगैरह। तो मजहर हमारे साथ हैं, उनको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में फिर से खुशामदीद कहते हैं। जी मजहर, हम आपको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और गुफ्तगू इतनी मजेदार थी कि वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ, 1 घंटा कहां गुजर गया पता भी नहीं चला। और अभी तक मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमने जो मालूमात आपसे हासिल की आटे में नमक के बराबर है, यानी अभी तो मौजू शुरू ही हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी मजहर, बात हम लोग कर रहे थे, हम लोग बात ये कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, इस्लामी नुक्ते निगाह से हम जो देखते हैं चीजों को, खासतौर पे माइंड साइंसेस को, वो क्या है और कैसे हम उनको देखते हैं। खासतौर पे हम लोग बात कर रहे थे कि जो लोग ये समझ लेते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया जिंदगी में, जो कामयाबियां हासिल की, सब उनके अपने बदौलत है। और आपने ये कहा कि ऐसा कहना जायज नहीं है, बल्कि जो कुछ हमें हासिल होता है उस और बेशक इसमें किसी शुबे की गुंजाइश नहीं है कि हमें जिंदगी में जो कुछ भी हासिल होता है वो उस पाक परवरदिगार की वजह से है। अल्लाह पाक हमें अनायत करते हैं, उनका खास करम और खसूसी नजर होती है, कामयाबियों से हमकिनार करते हैं। इसी बात को, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और अगर आप याद हो तो इस गुफ्तगू की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रो फील्ड, जिसको गुलाफ कहा जाता है, हर इंसान के इर्द गिर्द, हर जानदार और बेजान चीज के गिर्द एक इलेक्ट्रो फील्ड होती है। हम चाहेंगे कि इसको भी थोड़ा सा आप डिफाइन कीजिए। जी बिल्कुल, जैसे अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं जिसको ऑरा भी कहा जाता है। अच्छा, अब ऑरा के बारे में ये तो आज जो है प्रूव हुआ है, समझे आज से मतलब मॉडर्न टर्म्स में ही हमने इसको एक नाम दे दिया है ऑरा, या हम इसको कहते हैं ह्यूमन इलेक्ट्रिकल फील्ड, या नॉन लिविंग थिंग ही है तो इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड हम कहते हैं।
اب بیسکلی سائنس نے تو اس چیز کو آج پروف کیا, لیکن اس کا بارے میں تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بتا دی, انبیاء کرام کے ذریعے بھی یہ باتیں پروف ہیں, اللہ تعالیٰ کے رسول جتنا ہے انہوں نے ان چیزوں کو پروف کیا, ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہماری بے انتہا توجہ دلائی ہے. اس لیے شاید ہمیشہ ہم نے یہ سنا ہے بزرگوں کی کہاوتوں سے بھی اور مطلب ان کی سینگ سے بھی ہم نے بات سنی ہے, بس جس صحبت میں آپ رہتے ہیں اس صحبت سے آپ پہچانے جا رہے ہیں.